मेरे घर में कूलर है वो बहुत तेज हवा फेंकता है। बबलिंग नहीं है, बस थोड़ी हल्की सी जैटरिंग है। लैंड क्रूजर का तो नाम चलता ही है, उसकी सर्विस कितनी की होती है? भाई पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा इरिटेशन कब होता है? हाँ, जब आपको ना ऐसे शूज के लेसेस लगाने पड़ते हैं। यार ये जो बेच रहे हैं लेसेस क्यों नहीं लगाते यार, काम चोरी कर रहे हैं। अब ये दोनों लेसेस लगाने में ना मेरे को कम से कम 10 मिनट लगेंगे, कम से कम। आपको क्या लगा था मुझे लेस लगाने नहीं आते? देख रहे हैं क्या झन्नाटेदार तरीके से लगाया मैंने। पहले मैंने ना एक दूसरा टी शर्ट, अभी तो दिख नहीं रहा है, इस कलर का टी शर्ट पहनने का प्लान किया था, इसीलिए मैंने ये जूते निकाले। लेकिन अब वो टी शर्ट आयरन ही नहीं है। मैंने कहा 20 मिनट इसमें लगाया, अब 10 मिनट टी शर्ट आयरन नहीं करूंगा, दूसरे टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट डाल लेंगे ना, ब्लैक ऑलवेज गो विद ब्लैक। आइडियली तो मेरे को, अरे यार गौ माता कहाँ से आ गई, सारा कूड़ा फैल गया। अरे यार गेट खुला हुआ है। ओके अब इनको बाहर कैसे निकालें? एक मिनट गाड़ी से बच के। ठीक है कोई टेंशन नहीं है, आराम से। अरे क्या ही बोला जाए यार, डर भी लगता है ना। आप मेरी बात मानो या ना मानो, बट ट्रिप के बाद गाड़ी खाली करना एक इतना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना, इतना डिफिकल्ट, क्योंकि सीट के नीचे से कुछ मिल रहा है भाई। 2 प्रोटीन बार मुझे मिले सीट के नीचे से, मेरी वाली सीट के नीचे से। और ट्रिप में ना हम प्रोटीन बार खो जाते और हमें लग रहा था कि प्रोटीन बार खत्म हो चुका है, क्योंकि पीछे भी पानी का कैरेट वगैरह था, पानी के 2-3 बॉटल नीचे मिले, खाली बॉटल मिले, रैपर्स इतने सारे मिले। और वो सारा कचड़ा ना आप ऐसे तो बाहर डंप कर नहीं सकते हो, तो एक प्लास्टिक लेके आओ, उन सारे कचड़े को इकट्ठा करो, फिर वो रखो, भाई मशक्कत हो जाती है यार। तो अभी फिलहाल निकले हैं अपन इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। तो फाइनली ये गाड़ी चल चुकी है 38874। अभी 40,000 वाली सर्विसिंग है, बट 40,000 वाली सर्विसिंग हम 40,000 के पहले करा रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिनों में अपन निकल जाएंगे पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे जाने के लिए गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन करके ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों पे एमिनिटीज थोड़े कम रहते हैं और कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आप अपने भरोसे हो। तो अभी अपन जा रहे हैं MGF टोयोटा अपने इस गाड़ी के ससुराल, और वहाँ पे करवाएंगे इसकी 40,000 किलोमीटर की सर्विसिंग। प्लस ये नॉर्मल सर्विसिंग नहीं होगी, एक दो चीज़ें जो मेरे को चेक करानी है, जो मेरे को फील हो रही थी वो भी कराऊंगा, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। अब एग्जैक्टली मेरे मन का वहम है या क्या है, जितने बुशेज है ना इसके, चाहे वो इंजन माउंटिंग के बुशेज हों, चाहे वो सस्पेंशन के बुशेज हों, मतलब हर एक चीज़ मैं अच्छी तरीके से चेक करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का वाइब्रेशन है गाड़ी में, और यार फॉर्च्यूनर में वाइब्रेशन बनता नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। गाना सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे और इसके लिए ये गाना बज रहा है, तो पहला पहला प्यार है मेरा। वीकेंड है ना, मैं वीकेंड का दिन सेलेक्ट किया, देख रहे हो कितनी गाड़ियां भाई, अंदर भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ वीकेंड में सब लोग सर्विसिंग कराने का सोचते हैं ना, मेरे को पहले थोड़ा सा याद रहता ना, मैं मंडे आता, मंडे एकदम खाली मिलता अपने को। खैर कोई बात नहीं, अगर छोड़ना होगा तो गाड़ी छोड़ देंगे, ऐसे भी अभी धूप है, BMW आराम से चला सकते हैं। बाकी एक बार भैया को गाड़ी में सारी चीज़ें बता देते, फिर पूछते कितना टाइम लगेगा, और टाइम अगर ज़्यादा लगता है फिर गाड़ी छोड़ देंगे। कैसे हो श्यामचंद्र जी? हाँ फिलहाल हम एस्टिमेट बता रहे हैं, मतलब एस्टिमेट बनवा रहे हैं, बता कह रहे हैं, वो तो श्यामचंद्र जी हमें बताएंगे कि कितना। जो 40,000 किलोमीटर वाली इसकी सर्विसिंग है ना, ये इसकी मेजर सर्विसिंग होती है। 40, 80, 120, 40 में डिफरेंशियल ब्रेक और एसी फिल्टर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सर्विसिंग ना, ये तीन चीज़ भी चेंज हो जाता है। तो 40,000, 80,000 और 120K में इसकी ये मेजर सर्विसिंग होगी, और मेजर सर्विसिंग का बिल कितना आएगा वो तो हम जब बिल आएगा तब हम आपको बताएंगे। बाकी मैंने श्यामचंद्र जी को बता दिया कि इसमें हल्का सा जो वॉबल है, जो मेरे को फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें चेक होंगी, प्लस व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग फिर से होगा। रोटेशन की जरूरत नहीं है, रोटेशन हाँ अभी व्हील तो अभी मैंने नया लगाया, बस 3,000 कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। फिर अभी आऊँगा ना वहाँ से, सचपास जा रहा हूँ ना, उसके बाद फिर रोटेशन कर देंगे। हाँ मिनिमम ना अभी 5,000 नहीं हुआ, इस ट्रिप के बाद 5,000 हो जाएगा, तो उस समय हम व्हील रोटेशन कर देंगे, बाकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग केम्बर वगैरह सारी चीज़ें टेस्ट कर लेंगे, ताकि अपना गाड़ी जो अभी कुदा के हम लेके आए ना वो सारी चीज़ें सही हो जाए। दीप भैया कैसे हो? हाँ आ जाओ फिर चला लो। मैंने कहा भैया डॉक्टर के पास आए हैं तो डॉक्टर को दिखा देते हैं,
कुलदीप भैया अभी इसकी एक बार ना टेस्ट ड्राइव करेंगे, जो दो तीन इश्यूज हमने बताए ना वो एक बार भैया चेक करेंगे और फिर हमें बताएंगे। कुलदीप भैया इसमें ना थोड़ा हवा पता नहीं क्यों मुझे कम लगता है इसमें। ये हाँ मतलब इसमें से जो आना चाहिए ना वो कम लगता है। मेरे घर में कूलर है वो बहुत तेज हवा फेंकता है, एक कूलर जैसा नहीं फेंक रहा है सर। इसमें कितना कूलर जैसा इतना? अरे मैं मजाक कर रहा था। कुलदीप भैया यार इसमें कूलर जैसा कहाँ फेंकता है? नहीं इसमें कूलर जैसा नहीं फेंकता है, मैं मजाक कर रहा था। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं खाली रोड खोजने, क्योंकि गुड़गांव में खाली रोड खोजना तो भगवान खोजने के बराबर है ना। हाँ खाली रोड मिलता ही नहीं है, तो अपन NH नेशनल हाईवे 8 जो अपना गोल्फ कोर्स रोड को मतलब बेसिकली दिल्ली जयपुर जो रोड है ना वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ पे थोड़ा हम भगा सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी को ना हमें ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भगाना है। और उसके लिए तो भाई यहाँ तो देख ही रहे हो आप क्या हालत है भाई। इसका स्पोर्ट्स मोड मज़ेदार है ना, वैसे तो फुल टाइम आपने नॉर्मल मोड पे चलाया, मैंने स्पोर्ट्स कर दिया। मैंने कहा चलाओ स्पोर्ट्स पे, ऐसे तो मज़ा नहीं है फॉर्च्यूनर का। दबाओ भैया कस के दबा दो। हम ट्रिपल डिजिट स्पीड में इसको एक बार ले जा रहे हैं ताकि हमें भाई 140-150 पे बिल्कुल स्पीड नहीं पता चलता ना इस गाड़ी में। ये तो बीप बीप कर रहा है तब समझ में आ रहा है। बबलिंग नहीं है, बस थोड़ी हल्की सी जैटरिंग है। बबलिंग और जैटरिंग में क्या डिफरेंस है? बबलिंग ये होती है जो स्टीयरिंग छोड़े बिना ही बबलिंग ऐसे टायर हिलते नहीं लग जाए स्टीयरिंग। ओके हाँ, और जैटिंग में ब्रेक मारने पे स्टीयरिंग कांपने लग जाए। अच्छा तो हाँ, मतलब वो ग्राइंड होगा। हाँ ओके, तो वो फील हो रहा था ना ब्रेक हल्का सा ब्रेक लेने हाँ, पे। अरे यार हमारे गुड़गांव में तो जनता भी ऐसे ना, देख भाई को ना इधर पहले गया फिर उधर का ही इंडिकेटर दिया, देखो इंडिकेटर भी उधर का दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं भैया, अब हम कोशिश करते हैं। अब ये रोड पूरा खाली है। आपको पता है हम इंडियंस की खासियत क्या है कि हम ना अपने जैसे लोगों पे ना बहुत ट्रस्ट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा। आपने उस भाई को देखा वैगनर वाले को, इंडिकेटर उसने उस साइड कह दिया घूम इस साइड रहा है, लेकिन ट्रस्ट उसका इतना बना हुआ था ना कि उसको पता था कि पीछे वाला संभाल लेगा। यहाँ पे रोड पे ना ट्रस्ट पे चीज़ें बहुत चल रही हैं, भरोसा हमें सब पे है पीछे वाला संभाल लेगा। सो तक ठीक है पब्लिक, उसपे अपनी गाड़ी लग जाएगी और उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। प्लस मैंने भैया को बोला इसके जितने भी बुशेज है ना वो एक बार चेक कर लेने, ताकि फिर भी जो अगर थोड़ा बहुत हमें रोड टेस्ट में नहीं पता चला वो पता चल जाए। मैंने श्याम सुंदर जी से बात करा था और मैंने पूछा कि श्याम सुंदर जी आपके पास लैंड क्रूजर तो बहुत आती होंगी, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी है भाई और सबसे बड़ी सबसे अच्छी बड़े एसयूवी में लैंड क्रूजर का तो नाम चलता ही है, उसकी सर्विस कितनी की होती है? फॉर्च्यूनर जितने प्राइस पे सर्विस होती है भाई। मैं सुन के मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या? कह रहे नहीं भाई सेम फॉर्च्यूनर की जितनी सर्विस होती है ना सेम प्राइस पे LC सर्विस होती है। अब सोचो भाई मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार 3 करोड़ की गाड़ी अगर 10,000 रुपए में सर्विस हो रही है, कुछ नहीं बोलना आगे। ये है अपना डिस्क, देखो इस पे लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है ना मिट्टी विट्टी में बहुत अगर आप घुसा दो गाड़ी और फिर चलाओ ना तो ये पूरा लाइंस आ जाता है, तो थोड़ा सा डिस्क ग्राइंड करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जाने के पहले मैंने कराया था, उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 15,000-16,000 किलोमीटर के आसपास मैंने शायद चला लिया, मतलब मुझे याद नहीं। और उसी समय ब्रेक भी चेंज कराए थे, ये तो गर्म है बहुत ताप है, ये अपना ब्रेक तो एकदम सही है, ये भी मैंने पहले चेंज कराया था, प्लस पहले वाला ब्रेक पैड भी मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि पूरा वॉर्न आउट नहीं हुआ था। बट ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं करा लेता हूँ ना ताकि मेरे को ट्रिप पे कभी दिक्कत ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी कराने से ना गाड़ी में एक बार में मेजर खर्चा कुछ नहीं आता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 50 लाख की गाड़ी ले रहे हो ना तो फिर आपको ये सारी चीज़ें तो सोचना नहीं है। और भाई पीछे वाला ब्रेक पैड अपना एकदम सही है, 5 mm के करीब बचा हुआ है। और ऐसे टोटल कितना रहता है? 11 है टोटल, 11 में से 5 बचा हुआ है, तो 40,000 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक पैड गिरा है, तो ये तो चलेगा, इसको चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने चेक करा लिया, साफ साफ हो गया ना भैया? ये क्लीन कर क्लीन कर हाँ रब कर दिया,
ताकि ये अपना चलेगा मेनली प्राइमरली तो ब्रेक आगे से ही लगता है ना फ्रंट के ब्रेक होते हैं कभी भी जब आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग कराओ ना तो वेट आपका ना 70-70 से कम आना चाहिए अगर 70-70 से ज़्यादा है ना तो या तो मशीन में कुछ फ्लॉ है या तो फिर आपका रिम या अलॉयज बेंड हो गया हल्का सा कहीं से जो कि दिख नहीं रहा है तो वो ज़रूर चेक कर लेना ये ज्ञान की बातें हैं ये अभी ना एक्चुअली मशीन में कुछ सेटिंग अलग थी तो इसमें 200 वेट मांग रहा था 100 समथिंग तो भाई वो फिर हमने मशीन की सेटिंग भैया ने सही की तो अब सही है सर्विसिंग में डिफरेंशियल ऑयल चेंज होता है तो ये टोयोटा का डिफरेंशियल ऑयल है और ये अपना ना बेसिकली यहाँ पे जाएगा मतलब आपने बहुत सारी गाड़ियों में ना आगे से इंजन ऑयल उतरता दिखा अब ये 40,000 रुपये चाहे आपने 4x4 यूज़ किया नहीं किया है बट डिफरेंशियल ऑयल पूरा चेंज होता है इसका अपने सामने ना गाड़ी का काम कराना बहुत सही लगता है मतलब तो मैं तो ऐसा हूँ नींद क्यों आ रही है अभी काम हो ही रहा है मतलब उसका डिस्क जो ग्राइंड होना है ना उसमें टाइम लगता है भाई तो डिस्क ग्राइंडिंग और प्लस सारे बुशेस जितने भी बुशेस है ना सस्पेंशन लिंक रॉड सारे बुशेस वो सारे के सारे बुशेस चेक होंगे बिकॉज 40,000 किलोमीटर में कोई भी बुश चेंज नहीं हुआ है तो उसको एक बार चेक करा लेंगे कोई भी अगर वियर एंड टेयर मिलेगा तो उसको चेंज करा देंगे अपनी गाड़ी का काम अभी चल रहा था बट अपने को ना एक इम्पॉर्टेंट काम याद क्या आया मतलब बेसिकली कॉल आया तो मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स के स्कैन करके साइन करके देने हैं तो गाड़ी अपने सीधे घर पे पहुँच जाएगी बाकी सर्विसिंग का पूरा काम हो गया था बस वो जो अपना डिस्क का ग्राइंडिंग था ना वो चल रहा था तो वैसे तो थोड़ी देर वेट भी कर सकते थे लेकिन श्याम सुंदर जी ने ही बुक कर दिया था मैंने कहा चलो बढ़िया है ये फैसिलिटी भी है भाई अगर यहाँ पे जस्ट इन केस ना जैसे बहुत जगह गाड़ी नहीं रहती है मतलब मैं लास्ट टाइम गया था MGF तो वो तो कंपनी की गाड़ी मुझे छोड़ने गई थी बट अगर कंपनी की गाड़ी ना मतलब कस्टमर्स बहुत सारे हैं कंपनी की गाड़ी लेट हो रहा है और टाइम लग रहा है तो भाई ओला उबर बुक हो जाता है हाँ सीधे आपको घर पर ड्रॉप हो जाएगा देखा बिग थम्स अप टू टोयोटा ऐसे नहीं मैं बोलता कि भाई टोयोटा जैसी सर्विसिंग बस छोटी सी चीज़ है यार वो मैं खुद से भी कर सकता था बट ये भी फैसिलिटी है आपको खुद से करना है खुद से कर लो नहीं तो अदर बोलोगे आप तो आपके लिए ओला उबर बुक हो जाता है कंपनी से और आपके पास मैसेज आ जाता है SMS आ जाता है जिस नंबर जो भी नंबर आप दोगे ना उस पर आ जाता है मैसेज तगड़ी चीज़ है बाकी जब बिल आता है फिर आपको बताता हूँ कि ये जो मेजर सर्विसिंग है 40,000 किलोमीटर्स वाली उसका बिल कितना है क्योंकि इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा भी काम हो रहा है प्लस मेरे डिस्क ग्राइंडिंग भी हो रही है अब क्या है ना कि मिट्टी विट्टी गड्ढे वड्ढे इतने रहते हैं ना कि अगर गड्ढों में जा रहा है ना तो मिट्टी तो डेफिनेटली आएगी यार अब जूते डाल के देख लो गड्ढों में पूरी जूते पे मिट्टी चिपक जाती है तो वो तो फिर भी ब्रेक शू है यार तो ब्रेक शू के अंदर मिट्टी फंस जाती है वो डिस्क फिर ख़राब करती रहती है बट ये है कि ग्राइंडिंग से अपना काम चल जाएगा अभी अज्जू भाई का भी ना डिस्क का कुछ इशू आ रहा था डिस्क और ब्रेक पैड का तो लैंड रोवर ने तो उन्होंने कहा कि ब्रेक पैड भी चेंज होगा और डिस्क प्लेट भी चेंज होगी वहाँ पर ग्राइंडिंग का कोई फंक्शन नहीं था तो ये सब चीज़ें ना मतलब आपको आपका जो ओवरऑल पैकेज रहता है ना मतलब जो चलाने का मतलब कॉस्ट रहता है ना वो बहुत कम हो जाता है यार रनिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं सॉरी मैं चलाने का कॉस्ट पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ रनिंग कॉस्ट जो रहता है ना टोयोटा का ये बहुत कम हो जाता है बाकी पार्ट्स तो सस्ते है ही यार बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है मेजर सर्विसिंग में वो कह रहे थे कि 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा आएगा नॉर्मल सर्विसिंग से क्योंकि ऑयल वॉयल और AC फिल्टर वगैरह कुछ चेंज था जो आएगा जैसा आएगा आपको बता दूंगा सुबह गौ माता आके ना सारा तितर बितर कर दिया जितना भी कचड़ा था ना देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है यार एक तो बारिश वारिश हो रही है ना उससे पत्ते वत्ते आ गए ऊपर से ये सारा फैला हुआ है चलो कोई बात नहीं जो है सो है कल साफ करवाना पड़ेगा हाँ तू वॉक ले पहले देख रहे दूसरी गाड़ी से है ना अपनी यार ये तो लॉक है दूसरी गाड़ी से है तब भी इसको पता चल जाता है बहुत चंट है ये बहुत चंट कल इसका बर्थडे है ना कल स्कूबी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा कल तो तेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा चल 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 अंदर चल हाँ चल हाँ ठीक है खुश रह पैर छू के प्रणाम कर रही है हमारी गाड़ी आ गई है भैया आए नीचे एक बार चला के देखते हैं हाँ पता नहीं बिल कितने का है क्योंकि बिल के लिए तो मेरे को कॉल ही नहीं आया इस रूम का लाइट क्यों जल रहा है वो भी ऑफ करना पड़ेगा बहुत अंधेरा है भाई भाई
बंद करे इसको, एक बार चला के देखे यार क्या चमक रही है ना, मस्त एकदम रैप चेक। ये यहां लगेगा, चलो कोई नहीं ये हम खुद से लगा लेंगे। चलो भैया एक राउंड मारे। जब भी मैं जाता हूँ ना मैं DF एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो आज भी मैंने ना 10 लीटर DF एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमारा विंडो शेड गिर गया और ये आगे वाला शेड, ये क्या है भाई ये पूछ लूँगा क्या है। तो कुछ पैकेट लग रहा है, या तो पुराना होगा या तो फिर नया होगा ना, या कोई भूल गए होंगे। टोयोटा लेक्सस मैंने बाहर ही लगा दी अभी गाड़ी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना निकलना है, तो इसको यहीं पर रहने दो और अपन चलो ऊपर। भाई ये रहा पार्ट्स के डिटेल, जो जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं, ठीक है इसमें तो अभी मैं पढ़ूंगा क्या क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है। बाकी अपना जो बिल है, नहीं ये एक साइड में ना एक और चीज़ है, ये अपना जो अलाइनमेंट और केम्बर वगैरह जो ये सब था ना उसका, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली आगे पीछे का क्या हिसाब किताब था, केम्बर आउट था नहीं था, तो उसका रिपोर्ट है। कि जो अपना टोटल बिल आया वो 14,400 समथिंग के आसपास आया, तो मतलब ये ना 40,000 की मेजर सर्विसिंग, जिसमें डिफरेंशियल ऑयल और बाकी सारे फिल्टर्स, मतलब एडिशनल फिल्टर्स भी चेंज होते हैं जो नॉर्मल सर्विसिंग में नहीं होते, उसके अलावा भी जो फिल्टर्स चेंज होते हैं वो सारी चीज़ें भी हैं। अब एक जो फिल्टर है ना वो उसमें पड़ा हुआ है, वो एग्जैक्टली मैं पूछना पड़ेगा कि वो लगाने के लिए रखा था और बाद में भूल गए, या फिर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या है क्या हिसाब। अभी पैसे मैंने पे भी नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास लिंक भी नहीं आया है। अभी मैंने श्याम सुंदर जी को फ़ोन करूँगा, कल फ़ोन करूँगा, कल पैसे पे करूँगा। मज़ेदार भाई मैं सो गया था एक्चुअली। चलो भाई करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप चैनल पे, नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। ये लड़की, ओए लड़की, ओए, कल इस लड़की का बर्थडे है, हाँ तो कल इसका हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो कल आपको बर्थडे वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा, बड़ा स्पेशल टाइप से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ 10th बर्थडे ना स्कूबी, इधर आ, इधर आ।